फ्रेंड्स, मीना माई चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने यही चैप्टर पढ़ा था, थर्ड चैप्टर, और इसी को हम कंप्लीट करेंगे आज। इन एवरी रो पुट अ सर्कल। एवरी रो, हर रो में क्या करना है, पुट माने बनाना है एक सर्कल। सर्कल मतलब गोला बनाना है, जो कि इसमें दिया हुआ है इस तरह का, अराउंड वन, एक के चारों तरफ। दैट इज डिफरेंट, जो कि डिफरेंट है या डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, दूसरों से। फ्रॉम माने से, द अदर्स दूसरों से। ऑल्सो टेल, और बताओ भी। टेल माने बताना है, हाउ इट इज़ डिफरेंट माने कि हाउ माने कैसे, इट इज़ डिफरेंट यह कैसे अलग है। ये एक तरह से आपके क्वेश्चन है। रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। अब देखते हैं इनमें से कौन सा अलग है। देखो, रिवर है, माउंटेन पहाड़ होता है, लेक माने झील होती है, पॉन्ड माने तालाब, एंड स्प्रिंग माने फुहारा होता है। अब रिवर देखो, रिवर में पानी होता है, माउंटेन में माउंटेन होता है, माउंटेन में पानी नहीं होता है, लेक होती है, झील होती है, पॉन्ड तालाब होता है, स्प्रिंग माने फुहारा होता है। ये सब, ये चारों चीज़ें पानी से जुड़ी हुई हैं, मगर माउंटेन नहीं है। तो माउंटेन पे आप गोला कर सकते हैं, तो और रीज़न भी दे सकते हैं क्यों, क्योंकि ये सब चीज़ पानी से रिलेट करती, किसी ना किसी तरह से इनमें पानी होता है। बाथिंग, नहाना, वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धोना, स्विमिंग, तैरना, कॉम्बिंग हेयर, बाल कॉम्ब करना यानी काटना, नीडिंग डफ यानी कि आटा गूंथना। अब देखो, ये सभी चीज़ें ना, बाथिंग जैसे पानी से होता है, नहाना, कपड़े धोना भी पानी से होता है, स्विमिंग जब भी हो सकती है जब पानी होगा, लेकिन कॉम्बिंग बाल बिना पानी के हो सकता है। नीडिंग डफ यानी कि आटा गूंथना, बिना पानी के हम आटा नहीं गूंथ सकते, यानी कि इस पर कॉम्बिंग हेयर पर सर्कल आप बना लोगे। फिश यानी कि मछली, डक, बत्तख, मंकी, बंदर, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, एंड टॉर्टोइस, कछुआ। देख, टॉर्टोइस हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, डक हो गई, बत्तख हो गई, और फिश हो गई, ये सब पानी में होते हैं, पानी में मिलते हैं। मंकी जो है पानी में बिल्कुल नहीं मिलता है, वो पेड़ पे मिलता है ज़्यादातर, पेड़ पे, ज़मीन पे उछलता कूदता रहता है। तो यहाँ पे सर्कल होगा मंकी पे, क्योंकि वो ज़मीन पे ही रहता है या पेड़ पे रहता है। अब देखिए, ये वाला कार, बोट, नाव, बस, बस मतलब बस ही होती है, ट्रेन, बाइसिकल। इसमें कार, बस यानी कि बस जो है, ट्रेन और बाइसिकल, ये सब ज़मीन पे चलते हैं यानी कि रोड पे चलते हैं, और जो बोट होता है वो कहाँ चलता है, वो पानी में चलती है। अब आगे देखते हैं, तो इसमें बोट पे सर्कल होगा। फन विद कलर्स यानी कि मज़े करते हैं रंगों के साथ। टिक पेपर, चलो एक पेपर लेते हैं, एक पेपर लेते हैं, अनफोल्डेड, और इसको फोल्ड कर लेते हैं इन द मिडल, बीच में से। नाउ अनफोल्डेड, अब इसे अनफोल्ड कर दो यानी कि इसे खोल दो। एंड पुट सम ड्रॉप, पुट माने डालो, सम ड्रॉप कुछ बूंदे, ऑफ डिफरेंट कलर अलग अलग रंगों की, ऑन इट इसके ऊपर। फोल्ड द पेपर, अब पेपर को फोल्ड कर दो अगेन दोबारा। एंड प्रेस इट, और इसको प्रेस करो। अनफोल्ड द पेपर और अनफोल्ड कर दो, प्रेस द पेपर एंड अनफोल्ड, अनफोल्ड मतलब फिर खोल दो। लुक, अब देखो, वाट यू हैव मेड, देखो तुमने क्या बनाया, यानी कि वो कह रहा है कि कुछ ड्रॉप डाल, पहले तो एक पेपर लो, उसे फोल्ड कर देना है आपको। फोल्ड करने के बाद पहला स्टेप है फोल्ड कर दो उसको, फिर फोल्ड करने के बाद फिर दोबारा खोलो, खोलने के बाद उस पर रंग डालो, फिर उसको दोबारा फोल्ड कर दो, फिर उसे खोलो, फिर आप देखोगे उससे क्या होगा, उस पर कुछ उन धब्बों से यानी कि रंग के धब्बों से एक पिक्चर बन जाएगी, यानी कि पेंटिंग बन जाएगी। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है अवर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला स्कूल।